हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम अपने इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट्री पेपर की। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट्री का पेपर है उसमें टोटल 150 क्वेश्चंस है, और ये पेपर डिस्कशन वाला जो लेक्चर्स होंगे वो टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। इट मीन्स कि आज के हम अपने इस लेक्चर में अप टू फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ब्रीफली, और अपने आने वाले बाकी जो 2 लेक्चर्स होंगे उसमें हम बाकी के क्वेश्चंस को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज अ बिजनेस एंटरप्राइजेस इज नोन एज। काष्ठ एवं अन्य वन उत्पाद का उत्पादन के व्यावसायिक उद्देश्य से की गई वानिकी को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। डेफिनेटली ये हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है कि अगर आप इस ऑब्जेक्टिव के साथ फॉरेस्ट्री अडॉप्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री के टेक्निक्स अपना रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके फॉर योर बिजनेस पर्पसेस, तो इट विल कम अंडर प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री यानी कि उत्पादन वानिकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीन एनुअल टेम्परेचर ऑफ ट्रॉपिकल जोन इज, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का औसत वार्षिक तापमान निम्नलिखित में से क्या होता है। तो दैट इज योर अबाउट 24 डिग्री सेल्सियस या 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लांट्स ग्रोन इन ब्लू लाइट आर, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ही नई समझ में आ रही है कि यहाँ पर प्लांट्स जो है इसमें ये पूछा गया है कि नीले प्रकाश में लगाए गए पौधे निम्न में से कैसे होते हैं, राइट? इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि लाइट्स का कोई ना कोई असर होता है पौधों पे। तो ये मैं आपको एक टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ कि डेफिनेटली सनलाइट के अलावा, नेचुरल लाइट्स के अलावा भी जो आर्टिफिशियल लाइट्स होते हैं उनका प्लांट्स की ग्रोथ में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो किस तरीके से, जैसे अगर मैं जनरली बात करूं तो डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। सबसे पहले अल्ट्रावायलेट लाइट जो होती है, इट कैन कॉजेस डीएनए डैमेज, वो डीएनए को डैमेज कर सकता है। इट रिड्यूसेस फोटोसिंथेसिस रेट, इनफैक्ट फ्लावरिंग एंड पॉलिनेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, सीड डेवलपमेंट जो है वो इफेक्ट हो जाता है, राइट? इनफैक्ट जब हम ब्लू लाइट की बात करते हैं तो ये जो ब्लू लाइट है वो पौधे की हाइट में इफेक्ट करता है, ओके? इट डीपली इफेक्ट्स द हाइट ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हम ब्लू लाइट की बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, अगर हम ब्लू लाइट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ब्लू लाइट है, प्लांट्स जो ब्लू लाइट में ग्रो कर रहे होते हैं वो जनरली स्मॉल साइज के होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ब्लू लाइट का जो इफेक्ट है, अगर हम कोई प्लांट जो है वो बहुत ही अपने सीडलिंग स्टेज में है सपोज, ठीक, तो अगर आप वहां पर उसको ब्लू लाइट दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन जब एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब वो सीडलिंग से सैपलिंग स्टेज पे आ जाएगा और फिर भी आप उसे ब्लू लाइट दे रहे हैं तो उसकी हाइट जो है वो बहुत कम हो जाएगी। इट मींस व्हाट, कि जो ब्लू लाइट है वो एकदम इनिशियल स्टेज में प्लांट को हेल्प करता है उसकी ग्रोथ में, ओके? फिर आगे मैं आपको और भी बता देती हूँ कि रेड लाइट से क्या होता है। रेड लाइट जो है इट इज द अदर पीक ऑफ लाइट, बहुत ही ज्यादा पीक ऑफ लाइट होता है जो कि लीव्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और काफी सेंसिटिव हो जाती हैं लीव्स अगर वो रेड लाइट पे रिस्पॉन्स करते हैं। और ये लाइट जो है इट इज इम्पॉर्टेंट इन द रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। इट ऑल्सो हेल्प्स इंक्रीज स्टेम डायमीटर एंड प्रमोट्स ब्रांचिंग। रेड लाइट की बात हमने कर ली। अब फार रेड लाइट की अगर हम बात करें तो फार रेड लाइट में क्या होता है कि दिस लाइट कैन कॉज प्लांट इलोंगेशन एंड ट्रिगर फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक? तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर का जो प्लांट है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। फिर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ब्रिंग अबाउट वाफिंग इफेक्ट इन प्लांट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश पौधे में बौनेकरण का कारक होता है। तो दैट इज योर वॉयलेट एंड अल्ट्रा वॉयलेट लाइट। तो यहाँ पर आपको एक और
जो है वॉयलेट और अल्ट्रा वॉयलेट लाइट की आपको जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो आपको पता चल गया कि वॉयलेट एंड अल्ट्रा वॉयलेट लाइट कैन कॉज ड्वार्फिंग इफेक्ट इन प्लांट। ओके, नेक्स्ट, वेट एवरग्रीन वेजिटेशन आर फाउंड इन द रीजन वेयर रेनफॉल इज। नम सदाबहार वनस्पतियां निम्नलिखित में से किस वर्षा क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, 2500 मिलीमीटर और मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेंडेंट क्वांटिटी ऑफ सीड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रीज हैविंग, पर्याप्त मात्रा में बीज किस प्रकार के वृक्ष से प्राप्त होते हैं? यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं बिगर द क्राउन, मीडियम द क्राउन, स्मॉलर द क्राउन, स्मॉलर टू मीडियम द क्राउन। डेफिनेटली बिगर द क्राउन, जितना ज्यादा बड़ा उसका क्राउन होगा उतनी ही मात्रा, पर्याप्त मात्रा में जो है सीड का प्रोडक्शन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ सीड्स डिस्पर्सल फॉर द प्लांट ग्रोइंग इन लिटोरल रीजन? तो लिटोरल रीजन क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। लिटोरल जोन या लिटोरियल रीजन हम उनको कहते हैं उस एरिया को, द एरिया ऑफ द लेक दैट कैन सपोर्ट ग्रोथ ऑफ रूटेड एंड बेंथिक प्लांट्स। इट मीन्स वॉट कि जो जोन पानी वाले एरिया के आसपास होता है, यानी कि सी वाला जो रीजन है और उसके आसपास जो पौधे ग्रो कर रहे हैं, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर लिटोरल रीजन। तो उस रीजन में जो पौधे के बीज जो हैं वो किस माध्यम से बिखरता है, सीड्स डिस्पर्सल किस वजह से होता है, तो डेफिनेटली पानी के पास ये उगते हैं, मतलब लिटोरल जोन, लिटोरल रीजन हम उन्हीं को कहते हैं। तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, थ्रू वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदरिंग मेथड ऑफ हार्ड सीड कोट ट्रीट इज प्रैक्टिस्ड इन। अब वेदरिंग विधि द्वारा कठोर बीज वरण शोधन निम्न में से किस वृक्ष में अपनाई जाती है? तो अब यहाँ पर आप एक बात देखिए, एक चीज नहीं देख रहे हैं हम, वेदरिंग मेथड ऑफ हार्ड सीड कोट ट्रीट। तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वेदरिंग मेथड? ठीक, देखिए क्या होता है कि सपोज कोई सीजनल प्लांट है, ठीक, सपोज कोई सीजनल प्लांट है, अब इसने क्या किया, इसने बीज प्रोड्यूस किया, सीड प्रोड्यूस किया, और ये जो बीज है वो सॉइल में गिर गए, ठीक, सॉइल के अंदर जो है वो गिर गए। अब इसको यहाँ पर पर्याप्त जो है, इसको यहाँ पर वाटर भी मिल रहा है, जितनी उसको मॉइस्चर चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए ग्रोथ के लिए, वो ग्रोथ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अब जब सीड को प्रॉपरली यहाँ पर न्यूट्रिशन मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है, वो ग्रो करने के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन अब उसकी जर्मिनेशन के लिए उसकी डोरमेंसी पीरियड का ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब उसका डोरमेंसी पीरियड में जब ब्रेक होगा, तब जाके वो यहाँ से एक नई लाइफ की, एक नए पौधे की शुरुआत होगी, ठीक। अब डोरमेंसी पीरियड का मतलब क्या होता है? डोरमेंसी पीरियड का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सीड है वो अपनी स्लीप पीरियड पे चला जाता है, ठीक, स्लीपिंग पीरियड पे चला जाता है, तो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर डोरमेंसी पीरियड। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब यहाँ पर, जब इस ट्री ने बीज को यहाँ पर गिराया, मतलब इस ट्री से जब वो बीज गिरा, तो अब इसको यहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिशन, वाटर, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी तक उसकी डोरमेंसी ब्रेक होने का टाइम नहीं आया, वो एक पर्टिकुलर, उसको टेम्परेचर की जरूरत है, पर्टिकुलर सीजन की जरूरत है, तब जाके इसका, इस सीड की जो डोरमेंसी है, जो स्लीपिंग पीरियड है, वो ब्रेक डाउन होगी। हो सकता है कि यहाँ पर ये जो सीड है इसको विंटर सीजन, विंटर वेदर की जरूरत है, उतने टेम्परेचर की जरूरत है, जब इसका जो कोट है वो ब्रेक डाउन होगा और फिर वहां से एक नई लाइफ की शुरुआत होगी। तो वही क्या कहलाता है, वेदरिंग मेथड। मतलब सीड जो है वो पहले ही, सपोज समर सीजन में सीड जो है वो गिर चुका है, ठीक, समर सीजन में सीड गिर चुका है, प्रॉपर जर्मिनेशन की सारी जो प्रोसीजर होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, वो उसको मिल चुके हैं, लेकिन अभी वो एक प्रॉपर टेम्परेचर, एक प्रॉपर वेदर का वेट कर रहा है, जिसमें उसका ये जो बाहरी का कोट जो है वो ब्रेक डाउन हो और वहां से एक नई लाइफ जो है वो स्टार्ट हो सके, राइट। तो जब तक उसका जो कोट है वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ है और वहां से नई लाइफ जो है स्टार्ट नहीं हुई है, उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, डोरमेंसी पीरियड कहते हैं, स्लीपिंग पीरियड ऑफ द सीड, ठीक।
तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन से ट्री में, है ना, वेदरिंग मेथड ऑफ हार्ट सीड कोट ट्री इज प्रैक्टिस्ड इन, तो दैट इज योर टीक, सागौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लियर फेलिंग सिस्टम विथ नेचुरल रीजेनरेशन इज सक्सेसफुली फॉलोड इन प्लांटेशन ऑफ नीलगिरी हिल्स फॉर, नीलगिरी पहाड़ियों में किस वृक्ष के रोपणी में संपूर्ण कटाई पद्धति प्राकृतिक पुनरुत्पादन के साथ सफलतापूर्वक की जाती है, तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए अकाशिया म्योनसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन शेल्टर वुड सिस्टम मैच्योर क्रॉप इज रिमूव्ड इन सी इन अ सीरीज ऑफ फेलिंग, द फर्स्ट इज कॉल्ड, तो ये तो हमने काफी बार, हमने अपने जब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे फ्रॉम दैट कॉम्पिटिटिव फॉरेस्ट्री बुक, ऑब्जेक्टिव फॉरेस्ट्री बुक से जब हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हमने देखा था कि शेल्टर वुड सिस्टम में जो मैच्योर क्रॉप की रिमूविंग होती है, तो वो एक सीरीज में जो है फेलिंग जो है वो अपनाई जाती है, और फर्स्ट जो उसमें स्टेप होता है दैट इज योर सीडलिंग फेलिंग। सो ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलिंग मेड इन एन इमेच्योर स्टैंड फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग द ग्रोथ एंड फार्म ऑफ ट्रीज विदाउट परमानेंटली ब्रेकिंग द कैनोपी इज कॉल्ड, अपरिपक्व स्टैंड में वृक्षों की वृद्धि एवं स्वरूप को सुधारने के लिए कैनोपी ब्रेक के लिए की गई कटाई को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। इट मीन्स वॉट कि जो इमेच्योर ट्री स्टैंड है, ठीक, अब उसका जो कैनोपी है वो काफी घना हो चुका है ना, अब हमें क्या करना है, अब जो बाकी पेड़ हैं वो उन तक जो सनलाइट है वो प्रॉपरली जा नहीं पा रही है, पहुंच नहीं पा रही है, तो हमें क्या करना होगा, उसके उसको थोड़ी कटाई छटाई करनी पड़ेगी उसकी, राइट। तो उसको हम क्या कहते हैं, कैनोपी ब्रेक के लिए की गई कटाई को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, तो ये भी हमने किया हुआ है, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर थिनिंग, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी थिनिंग इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच वन इज कॉल्ड अ थिनिंग फ्रॉम बिलो, निम्नलिखित में से किस विरलीकरण को निचला विरलीकरण कहते हैं, तो ये भी हमने किया हुआ है, ऑर्डिनरी थिनिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज सिंगल स्टेम सिल्वीकल्चर, निम्न में से किसे एक तना वनवर्धन कहते हैं, एक तना वनवर्धन का मतलब क्या हुआ कि जैसे सिंगल स्टेम का मतलब क्या हुआ कि सपोज ये क्या है, ये टिम्बर है, यहां से आपको क्या मिलने वाला है, टिम्बर मिलने वाला है, मतलब अगर आप सिल्विकल्चर टेक्निक्स अपना रहे हैं, फॉरेस्ट्री अगर आप अडॉप्ट कर चुके हैं और उसमें आप सिल्विकल्चर टेक्निक्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो मेन मोटिव आपका क्या होता है, अगर आप फॉरेस्ट प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे हैं तो मेन मोटिव आपका होता है टिम्बर, राइट, मेन मोटिव होता है आपका टिम्बर, मतलब पूरा का पूरा जो काम है वो किससे रिलेटेड है, टिम्बर से रिलेटेड है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए सिंगल स्टेम का मतलब क्या हुआ कि आपका पूरा फोकस कहाँ पर है, टिम्बर पे है, आपका कंप्लीट फोकस टिम्बर पे है, तो वो कंप्लीट फोकस टिम्बर पर कहाँ से आएगा, ये इस, ये क्या है आपका सिंगल स्टेम है, बस आप टिम्बर की प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए आप जो सिल्विकल्चर टेक्निक अपनाते हो दैट इज योर सिंगल स्टेम सिल्विकल्चर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इनमें से किसको आप सिंगल स्टेम सिल्विकल्चर कहते हो, तो दैट इज योर फ्री थिनिंग, राइट। अगर यहाँ से क्या हो रहा है कि अगर यहाँ से कोई ब्रांचेस आ गई हैं, ठीक, तो आप उनकी क्या करोगे, थिनिंग करोगे ताकि प्रॉपरली यहाँ पर इसके डायमीटर पे किसी तरीके का यहाँ पर ऐसे क्या हो, नॉट्स ना पड़ जाए, राइट। अगर यहाँ पर देखिए ऐसे जैसे ये टिम्बर है, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, ब्रांचेस आने लग गए, अब आप क्या करोगे, इसकी प्रॉपर थिनिंग करोगे, क्यों थिनिंग करोगे, अगर यहाँ पर अगर आप इसकी थिनिंग नहीं करते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गांठ है, नॉट्स आने लग जाएंगी, राइट, तो इस वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बटरेसिंग इज कॉमन इन, निम्नलिखित वृक्षों में से किस वृक्ष में बटरेसिंग सामान्य तौर पर पाई जाती है,
तो अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट्रेसिंग। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि बट्रेसिंग क्या होता है। मैंने आप लोगों के लिए एक पिक्चर जो है वो रखी हुई है, देखिए ये यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक, ये जो आपको पेड़ के ये इस तरीके से रूट्स जो हैं वो आपको दिख रहे हैं। देखो ये जो बच्चे लोग जो हैं इन्होंने जब फोटोज क्लिक करी है, तो ये जो रूट्स हैं वो कैसे बाहर तक आ गए और काफी विशाल रूप में जो है वो बाहर आ गए हैं, ठीक। तो यही रूट्स आपके क्या होते हैं, बटरेसिंग रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि बटरेसिंग इज कॉमन इन, बटरेसिंग रूट जो है वो किस में कॉमन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका क्या है, टर्मिनेलिया मीरियोकॉप्स, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन। दैट इज इंडियन आलमंड भी कहते हैं, उसका जो कॉमन नेम है दैट इज योर इंडियन आलमंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पीशीज शो फ्लूटिंग टेंडेंसी। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया, फ्लूटिंग टेंडेंसी, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा ये। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये आपको किस तरीके से बांसुरी फ्लूट के जैसा, यहाँ पर आप देखिए ये ऐसे इस तरीके से यहाँ पर गांठ जो है वो बन गई है, ये देखिए फ्लूट्स की तरह, राइट। तो यही फ्लूट्स मतलब बांसुरी है ना, तो उसी को आप क्या कहते हो, फ्लूटिंग टेंडेंसी कहते हो। तो कौन सी स्पीशीज जो है वो फ्लूटिंग टेंडेंसी शो करती है, दैट इज योर सागौन। सागौन टेक्टोना ग्रैंडिस, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सागौन, टेक्टोना ग्रैंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्पीशीज हार्टवुड डज नॉट डेवलप डार्क कलर। अब हार्टवुड जो है वो भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो इस वजह से मैंने उसका भी पिक्चर इमेज जो है वो यहाँ पर लिया हुआ है। देखिए जैसे ये जो अंदर वाला आपको जो डार्क पोर्शन दिख रहा है दैट इज योर हार्डवुड, और ये जो आउटर पोर्शन दिख रहा है दैट इज योर सैपवुड, ठीक। ये जो आउटर पोर्शन है आप उसको सैपवुड कहते हैं, और ये जो अंदर पोर्शन डार्क वाला पोर्शन आपको दिख रहा है दैट इज योर हार्डवुड। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि इनमें से किस स्पीशीज का हार्डवुड जो है वो डार्क कलर डेवलप नहीं करता है, तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, एबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कलर डेवलप व्हेन लीव्स आर अबाउट टू फॉल। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है येलो। हमने देखा हुआ है ऑलरेडी कि जब पत्ते झड़ने वाले होते हैं, गिरने वाले होते हैं, तो वो किस कलर के हो जाते हैं, दे बिकम येलो इन कलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, अ प्लांट फ्रॉम द टाइम द यंग ट्री रीचेस 1 मीटर हाइट टिल द लोअर ब्रांचेस बिगिन टू फॉल इज कॉल्ड सैपलिंग। ये भी हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जब हम स्टेजेस ऑफ ट्री ग्रोथ डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्लांट फ्रॉम जर्मिनेशन टू द स्टेज दैट यंग ट्री हैज अ फ्यू लीव्स इज कॉल्ड रिक्रूट। ठीक, मतलब प्लांट का वो स्टेज, अंकुरण अवस्था से नए पौधे जब कुछ पत्ती धारण कर ले उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो उस अवस्था को रिक्रूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सीजनल चेंज इन डेवलपमेंट ऑफ फॉलिएज फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इज रिफर्ड टू एस। पत्ती पुष्पन एवं कलीकरण के विकास में मौसमी बदलाव को निम्न में से क्या कहते हैं। तो देखिए जब सीजनल चेंज होता है तो अगर आप उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो कंप्लीटली किसके अंदर आ जाएगा, फिनोलॉजी के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखिए, D1 सिंबल इज नोन फॉर, जैसे कि हमने ये भी किया था कि D स्टैंड्स फॉर डोमिनेटेड, C स्टैंड्स फॉर कोडोमिनेंट ट्रीज, राइट। तो ये हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया हुआ है, बट यहाँ पर अब कौन से सिंबल की बात आ रही है, D1 सिंबल की। तो जो D1 सिंबल है ये किसके लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज फॉर प्री डोमिनेंट ट्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, के सिंबल इज सिंबॉलिक ऑफ, के सिंबल जो है वो किसका सिंबॉलिक है, तो इट इज द सिंबल विच रिप्रेजेंट्स द डिसीज्ड ट्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ मीन एनुअल एंड मीन जनवरी टेम्परेचर एंड ऑकरेंस ऑफ फ्रॉस्ट एंड स्नो फॉलोइंग टेम्परेचर जोन हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। औसत वार्षिक तापमान एवं औसत जनवरी तापमान फ्रॉस्ट एवं बर्फबारी के आधार पर निम्न में से कौन सा तापमान जोन
चिन्हित किया गया है? तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंपियन एंड सेठ हैव क्लासिफाइड द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इनटू फॉलोइंग मेजर ग्रुप। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, हमने कई बार इसे पढ़ लिया है। चैंपियन एवं सेठ ने भारत के वनों को निम्न में से कितने मुख्य समूह में बांटा है? तो वो है हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैंपियन एंड सेठ हैव क्लासिफाइड फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया इनटू, चैंपियन एवं सेठ के अनुसार भारत के वन को कितने प्रकार के समूह में वर्गीकृत किया गया है? तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, 16 टाइप ऑफ ग्रुप्स। चलिए, द एरिया ऑफ नर्सरी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो लिखे हुए नहीं हैं, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम वन नर्सरी बेड टू अनदर फॉर बेटर ग्रोथ इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। ये भी हमने किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, राइजोम प्लांटिंग इज कॉमन इन, राइजोम प्लांटिंग जो है वो किस में कॉमन होती है? तो दैट इज कॉमन इन बैम्बू। मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग टीक इज सागौन में रोपणी के सबसे प्रचलित विधि कौन सी है? तो ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, स्टम्प प्लांटिंग। स्टम्प प्लांटिंग इज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग इन टीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टर एरिया वेयर प्लांट्स आर प्लांटेड एट 4 मीटर × 4 मीटर विल बी। तो इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे कि 1 हेक्टर जो है दैट बिकम्स इक्वल टू 10,000 square meter या 10,000 meter square। ओके, 1 हेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है? 10,000 meter square। और यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि जो प्लांट्स है वो कैसे प्लांट किए गए हैं? 4 meter × 4 meter, दैट मीन्स 16 meter square। तो 10,000 upon 16 meter square आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 625। तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वार्टर गर्थ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ लॉग इज, लॉग का आयतन मापने के लिए क्वार्टर गर्थ समीकरण है। ऑप्शन नंबर ए, 9/4 to the whole power square into L। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द स्पेसिंग ऑफ प्लांट्स इन रोज मेड एट अ स्पेसिंग ऑफ 4 मीटर इफ देयर आर 1250 प्लांट्स पर हेक्टर इन प्लांटेशन। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, फाइंड आउट द स्पेसिंग ऑफ प्लांट्स इन रोज। ठीक है, यदि कतार से कतार की दूरी 4 मीटर हो तथा प्रति हेक्टर पौधे की संख्या 1250 हो तो पौधे से पौधे की दूरी क्या होगी? तो काफी ईजी है, जैसे हमने अभी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दोनों दे दिया था ना, आपको पूरा का पूरा दे दिया था कि 4 मीटर × 4 मीटर में जो हो रही थी पिछले क्वेश्चन में उस तरीके से प्लांटेशन हो रही थी। बट यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 4 मीटर दिया हुआ है, राइट? मतलब आपको रोज का जो है एक कतार से कतार की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन रोज आपको गिवेन है 4 मीटर, बट डिस्टेंस बिटवीन प्लांट्स आपको गिवन नहीं है, तो आप उसको क्या ले लोगे, x ले लोगे। तो लेट इट बी 4 मीटर × x मीटर, राइट, 4 मीटर × x मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, 4x मीटर स्क्वायर, राइट, 4x मीटर स्क्वायर। वहां पर क्या हो जा रहा था, 16 मीटर स्क्वायर हो रहा था, राइट। तो अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, 4x मीटर स्क्वायर हमको पता चल गया। ठीक, अब हमको पता है कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू हाउ मेनी, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 मीटर स्क्वायर अपॉन 4x मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1250, राइट, यही होगा, इज इक्वल टू 1250। ठीक, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे,
ये क्या हो जाएगा, ये इधर गया तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है, ठीक है, 1250 इंटू 4x दैट विल बिकम इक्वल टू 5000 एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 10,000 अपॉन 5000 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर, तो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 2 मीटर। माउस से थोड़ा लिखते नहीं बनता यार, एडजस्ट कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट सेक्शन पर डेफिनेटली कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्पीशीज ऑफ बैम्बूज फ्लावर्स एवरी ईयर विदाउट द डेथ ऑफ प्लांट्स, बांस की कौन सी प्रजाति में प्रतिवर्ष फूल आते हैं एवं पौधे मरते भी नहीं हैं, तो दैट इज योर अरुंडिनेशिया, ठीक। तो ऐसा याद रखना कि अरुण का बैम्बू का पौधा है जिसके फूल साल भर नहीं मरते, है ना, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि अरुण के घर में बैम्बू का पौधा है जिसके जो सदाबहार है, सालों साल फूल खिलता है उसमें, दैट इज योर अरुंडिनेशिया। क्वेश्चन नंबर 34, विच स्पीशीज बियर सीड आफ्टर लॉन्ग टाइम, निम्न में से किस वृक्ष के बीज लंबे समय बाद लगते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी एबिस पेनरो, जिसको आप फर्क भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सक्सेस ऑफ प्लांटेशन इन सॉइल विथ हार्ड पैन इन सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल डेप्थ ऑफ पिट्स शुड बी, कड़ी परत वाली लवणीय एवं क्षारीय मृदा में सफल रोपणी के लिए गड्ढों की गहराई क्या होनी चाहिए, तो दैट इज योर 120 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल बिलोंग्स टू फैमिली, साल जो है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी दैट इज डिप्टेरोकार्पेसी, डिप्टेरोकार्पेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम इंक्रीमेंट अटेनेबल पर यूनिट एरिया ऑन गिवन साइट इज कॉल्ड, किसी स्थान पर प्रति इकाई क्षेत्र पर प्राप्त अधिकतम वृद्धि को निम्न में से क्या कहते हैं, दैट इज योर नॉर्मल इंक्रीमेंट, ये भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉरी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38, स्पीशीज यील्ड मैक्सिमम मटेरियल ऑफ अ स्पेसिफाइड साइज इज नोन एज, किस प्रजाति की विशिष्ट आकार के अधिकतम उपज को निम्न में से क्या कहते हैं, तो दैट इज योर टेक्निकल रोटेशन। ओके नेक्स्ट, इन द स्केलेटन ऑफ द फर्स्ट प्रिलिमिनरी वर्किंग प्लान रिपोर्ट द चैप्टर थर्ड डील्स विथ, प्रथम प्रारंभिक वर्किंग प्लान प्रतिवेदन की रूपरेखा के तीसरे अध्याय में निम्न में से किसका वर्णन रहता है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए यहाँ पर ये जो है, ये वर्किंग प्लान जो है, इतना डेप्थ में हमारे छत्तीसगढ़ में क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि एमपी का जो फॉरेस्ट का पेपर था वो ऑप्शनल वालों के लिए है ये जो है, ठीक, फॉरेस्ट्री। बट फिर भी अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वैसे तो नहीं आएंगे, तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है हमें, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्रॉप डेंसिटी ऑफ 0.8 to 0.99 इन फॉरेस्ट इज गिवन फॉर, वन में 0.8 से 0.99 की फसल घनत्व का उपयोग किसके लिए होता है, तो ये भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है डेंस फॉरेस्ट के लिए। ओके क्वेश्चन नंबर 41 है, अ लेयर आउटसाइड द पिथ गिव्स रिजिडिटी टू द ट्री इज, पित्त की बाहरी परत जो वृक्ष को कठोरता देती है उसमें निम्न में क्या है, तो दैट इज योर हार्टवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेच्योर ट्री विच वन इज मोर, इनमें से परिपक्व वृक्ष में निम्न में से कौन सा घटक अधिक होता है, अगर कोई मेच्योर ट्री है तो इनमें से कौन सा जो टर्म है, कौन सा जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा होगा, तो ऑप्शन ए सैपवुड, बी हार्टवुड, तो हार्टवुड विल बी द मोर इन एनी मेच्योर ट्री। क्वेश्चन नंबर 43,
प्रेजेंस ऑफ पिथ इन वुड इज कंसिडर्ड एज, काष्ठ में पिथ की उपस्थिति किसका द्योतक है? तो इट रिप्रेजेंट्स डिफेक्ट्स, कमी या दोष को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 44, ऑफ विच स्पीशीज वुड इज वेरी गुड यूज फॉर द बीम, बीम बनाने के लिए किस प्रजाति की काष्ठ को सबसे उपयुक्त मानते हैं? दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, श्लेरा ओलियोसा, कुसुम। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, विच ट्री बिलोंग्स टू फैमिली वर्बिनेसी, वर्बिनेसी कुल में कौन सा वृक्ष आता है? तो ऑप्शन नंबर ए है मलाइना अर्बोरिया, ऑप्शन नंबर ए एडीन, ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है। दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर मलाइना अर्बोरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टू स्पीशीज वुड कलर मेक्स डिफिकल्टी टू डिस्टिंग्विश, निम्न में से किन दो वृक्ष के काष्ठ के रंग को पहचानना कठिन है? तो हमारा करेक्ट आंसर है साल एवं जामुन, साल एंड जामुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडरेटली हैवी वुड हैव वेट पर क्यूबिक मीटर, आर वजन के आधार पर मॉडरेटली भारी काष्ठ का प्रति क्यूबिक वजन निम्न में से क्या होता है? दैट इज 451 टू 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ वुड कंटेन्स एसेंशियल ऑयल्स, काष्ठ के किस भाग में आवश्यक तेल पाया जाता है? तो दैट इज योर हार्टवुड। क्वेश्चन नंबर 49, विच ट्री यील्ड वुड टेन्स ऑन कमर्शियल स्केल, व्यावसायिक स्तर पर काष्ठ टेन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो दैट इज योर क्यूब्रेको। क्वेश्चन नंबर 50 एंड प्रोबेबली हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज शोरिया रोबस्टा बिलोंग्स टू, शोरिया रोबस्टा किस वर्ग से संबंधित है? तो इट बिलोंग्स टू ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सट्रीमली हार्डवुड। तो डियर व्यूअर्स, आज के हमने अपने इस लेक्चर में मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट्री के पेपर के ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन जो है वो ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चंस हैं और हम इस पूरे पेपर के डिस्कशन को 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस लेक्चर को पूरा देखें, एंड तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग, थैंक यू।